की वीडियो में हम सीखेंगे प्रनाउन। प्रनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन सीखेंगे। प्रनाउन्स आर वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स। प्रनाउन वो वर्ड होते हैं जो हम नेमिंग वर्ड के जगह यूज करते हैं। नेमिंग वर्ड मीन्स नाउन की जगह। अब इसके कुछ एग्जाम्पल है, आई, ही, शी, इट, यू, वी, दे। आई का यूज किया जाता है अपने नाम के लिए, जैसे मैं, अपने नाम के लिए हम आई का यूज करेंगे। अगर कोई बॉय है तो उसके प्लेस पे हम ही का यूज करेंगे। अगर गर्ल है तो हम शी का यूज करेंगे। नॉन लिविंग थिंग है तो हम इट का यूज करेंगे। यू मतलब आप या तुम, आप या तुम के लिए हम यू का यूज करते हैं। वी मतलब हम, दे मतलब वे। एक से ज्यादा लोगों के लिए हम वी और दे का यूज करते हैं। आई, ही, शी, इट, ये चारों प्रनाउंस यूज किए जाते हैं सिंगुलर नाउन के लिए, और वी और दे यूज किए जाते हैं प्लूरल नाउन के लिए। और जो यू है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों नाउन के लिए यूज किया जाता है। अब हम इसे एक एग्जांपल से समझेंगे। रोहन इज अ बॉय, रोहन इज टॉल, रोहन हैज अ स्कूल बैग, रोहन्स बैग इज फुल ऑफ बुक्स। इन दिस सेंटेंसेस रोहन इज अ नाउन, बिकॉज रोहन इज अ नेमिंग वर्ड। रोहन एक लड़के का नाम है और नाम मीन्स होता है नाउन। अब इन सब सेंटेंस में वी यूज प्रनाउन इंस्टेड ऑफ नाउन। अब हम यहाँ पे जितने भी, जो रोहन बार बार हम रोहन का यूज कर रहे हैं, रोहन एक नाउन है। अब हम रोहन के प्लेस पर, नाउन के प्लेस पे प्रनाउन का यूज करेंगे। तो सबसे फर्स्ट लाइन है रोहन इज अ बॉय। सेकेंड लाइन में रोहन इज टॉल के प्लेस पे हम यूज करेंगे ही इज टॉल, बिकॉज बॉय के लिए हम यूज करते हैं ही का। रोहन हैज अ स्कूल बैग, सो वी यूज ही। ही हैज अ स्कूल बैग। रोहन्स बैग इज फुल ऑफ बुक्स। अब रोहन्स बैग मतलब उसका बैग, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे हिज बैग। हिज बैग इज फुल ऑफ बुक्स। अब यहाँ अगर रोहन की जगह होता रीटा तो हम यूज करते शी इज टॉल, शी हैज अ स्कूल बैग, और हिज के प्लेस पे आ जाता हर, क्योंकि गर्ल्स के लिए हम हर का यूज करते हैं। अब अगर यहाँ रोहन की जगह किसी बिल्डिंग के बारे में बात होती तब हम यूज करते इट का, बिकॉज नॉन लिविंग थिंग के लिए हम यूज करते हैं इट का। सो किड्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।